आपने देखा होगा कि आपके बैंक में नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10 जितने भी लोग होंगे उनको खुश रखने के लिए आपको कितनी मेहनत पड़ती है। हर काम की तारीफ करनी पड़ती है हर बार, लेकिन आपका जो वर्ग 4 का कर्मचारी, आपका नंबर 2, आपका नंबर 3, आपका नंबर 2, आपका नंबर 3, नंबर 4, उसको दौड़ाने के लिए आपका पसीना छूट जाता है। उस गरीब को दौड़ाने के लिए सिर्फ 2 शब्द काफी होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये जो जिसको हमने चौथी पादान पर रखा हुआ है उसके डीएनए में वो कौन सी चीज है जो इतना बड़ा परिणाम देती है, आपके लिए रिस्क लेती है, रात भर सोता नहीं है। जो वो आपके लिए करता है वही वो देश के लिए भी कर सकता है। ये गरीब जो है उसको थोड़ा सहारा चाहिए। जो आपके व्यक्तिगत जीवन में परिणाम देता है वही गरीब राष्ट्र जीवन में भी परिणाम दे सकता है। जब तक इंटेलेक्चुअली हम इस चीज को कन्विंस नहीं होंगे, जब तक ये हमारा आर्टिकल ऑफ फेथ नहीं बनेगा और हमारी रोजमर्रा की घटनाओं को मैं जिस नजरिए से कह रहा हूं उस नजरिए से नहीं देखें, तब तक इंक्लूजन एक प्रोग्राम बनेगा, इंक्लूजन स्वभाव नहीं बनेगा। मुझे इंक्लूजन प्रोग्राम नहीं, इंक्लूजन स्वभाव बनाना है। और एक बार आप सोचिए, फिर आपका आनंद कुछ और होगा।